ये उठी भाई, वो भाई टायर कितने बढ़िया स्पिन हुए, ये देखो भाई, ये भाई क्रेटा, ये भाई सेवन डबल, भाई पूरी टक्कर है दोनों गाड़ियों की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कार इन्फो मेनिया में। भाई उम्मीद करता हूँ सारे भाई मजे में होंगे। भाई आज की वीडियो अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, एक्सयूवी 700 के साथ हुंडई क्रेटा, दोनों डीजल वेरिएंट है भाई, इनकी ड्रैग रेस कराने वाले हैं। और भाई वो है अपने पास AX5 फ्रंट व्हील ड्राइव 2021 वेरिएंट, आते ही भाई ने महीने डेढ़ महीने में डिलीवरी मिल गई थी, पहले ही बुक करा रखी थी। और यहाँ पे भाई पहले तो इस गाड़ी का लुक देखिए यार, इस गाड़ी से अलग ही प्यार है। और यहाँ पे अपने पास है हुंडई क्रेटा भाई, ये भी 2021 डीजल वेरिएंट, ये भी डीजल, एग्जैक्ट BHP और पावर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब भाई आपके हिसाब से भाई क्या लगता है, हालांकि 700 भाई और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं ड्रैग रेस की, 700 काफ़ी मानी जाती है कि पिकअप काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई देखते हैं क्या हुंडई क्रेटा डीजल को हरा पाएगी। मेरा वोट है 700 की तरफ, लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं टक्कर देने वाली, क्योंकि इसमें गाड़ी में वेट कम है उससे, और शायद पिकअप हुंडई का भी अच्छा होता है महिंद्रा से। तो बाकी देखते हैं आप किसे जिताना चाह रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी आगे जाएगी। एक बार एक सेकंड या दो सेकंड का टाइम लेके कमेंट जरूर करिए अभी वीडियो देखने से पहले कंप्लीट, कि XUV 700 जीतने वाली है या हुंडई क्रेटा जीतने वाली। दोनों गाड़ियाँ डीजल मैनुअल है, 2021 है, इसीलिए भाई वीडियो का तुक बनता है। तो एक बार हम चल लेते हैं भाई XUV 700 वाले भाई की तरफ, इन्होंने काफ़ी ड्राइव की हुई। और ये भाई ये जो फील है ना, ये जो गाड़ी टक और टक, भाई हाथ में नहीं आता हैंडल, बहुत लोगों के वहम था गाड़ी आई जब। तो भाई आप तो 700 जैसे चलाते ही हो, तो कैसा क्या मतलब रिएक्शन है इसके पिकअप वगैरह को लेके? यही जीतेगी। तो ऐसी कौन कौन सी गाड़ी आपको लगता है जो इसको टक्कर दे सकती है, हरा सकती है डीजल को? 700 एंडेवर तो फिर और आगे निकल जाएगी, फॉर्च्यूनर भी लेजेंडर को नहीं हरा पाएगी, और जो बॉस वैसी वाली जो 400 NM का टॉर्क जनरेट करती है उसको शायद हरा दे, शायद है वो। ठीक है, और सेल्टोस वगैरह इनको तो हाथ ना दे, हाथ नहीं। और इसमें फर्क कितना है अपना फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव जो आती है X7 और X5 में? भाई भगने में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, मतलब वो ये है, मतलब ये है कि जो रियर व्हील ड्राइव होती है वो अपना जो कहीं फंसती है गाड़ी तो निकल जाए, जब भी काम आएगा। हाँ, तो भाई आई थिंक एक तो भाई टाटा ने चमत्कार किया था नैनो रियर व्हील ड्राइव देखे, और एक 700 में आ गया है। तो यहाँ पे भाई करते हैं पहला राउंड शुरू, अपने विक्की भाई चलाएंगे, भाई का क्या नाम है उनका? राहुल भाई। हाँ मैं करूँगा, रुक जा। हाँ अपना जो भाई विक्की भाई है वो चलाएंगे XUV 700, बेल्ट लगा। तो भाई अब करते हैं पहला राउंड शुरू, 3, 2, 1। ये उठी भाई, वो भाई टायर कितने बढ़िया स्पिन हुए, ये देखो भाई, ये भाई क्रेटा, ये भाई 700, भाई पूरी टक्कर है दोनों गाड़ियों की साइड बाई साइड। और भाई ये तीसरे गियर में ये छोड़ दिया भाई पीछे, सेकंड गियर तक भाई पूरी टक्कर थी, बहुत अच्छा टायर स्पिन हुआ क्रेटा का। अब कर लो भाई स्लो, भाई बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अब तो भाई ब्रेक ही ले लिए पूरा, तो भाई टक्कर तो काफी थी दो गियर में। भाई स्टार्टिंग में थोड़ा सा वेट का रेशियो भी जो है मैटर करता है, ये अपनी लंबी गाड़ी है, वेट भी ज्यादा है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, हालांकि फ्रंट व्हील ड्राइव ही क्रेटा है, लेकिन भाई पूरी टक्कर थी। मेरे हिसाब से अगले 2-3 राउंड भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ड्रैग रेस में, भाई आगे तक बने रहे, निष्कर्ष तभी मिलेगा। और अभी जस्ट बढ़िया भगाई भाई क्रेटा, बढ़िया चलाई, हाँ उम्मीद से परे, मतलब जैसे वरना और ड्रैग रेस, वरना और क्रेटा की ड्रैग रेस अपलोडेड है भाई, उससे बेटर क्रेटा का परफॉर्मेंस था अभी। लो भाई फाइनल राउंड करते हैं शुरू, ये उठी भाई क्रेटा, भाई आपकी बात बन रही है, बात बन रही है, बन रही है, बन रही है। और ये भाई ये गई भाई क्रेटा, तो भाई ये देखो भाई ड्राइवर दोनों ही आर पार है भाई, और भाई ये तीसरे गियर है, स्लो कर ले भाई बाइक वाला, स्लो कर ले, स्लो कर ले, स्लो कर ले भाई, 100 के बाद चेंज किए, 100 के बाद, हाँ थर्ड ईयर के बाद, वेट रेशियो का जो है ना, हाँ हाँ तो भाई डिफरेंस बिल्कुल आता है। हाँ, लेकिन भाई फिर भी जो 700 का है, लेकिन मैं टक्कर बढ़िया दे जा रही क्रेटा, बाद में टॉर्क जो है 700 का काफी बढ़िया, वरना काफी बढ़िया। की और 700 की ड्रैग रेस में मजा आने वाला, मजा आने वाला, तो भाई वरना और 700 की ड्रैग रेस आने वाली है, दोनों गाड़ियां धुआंधार है बिल्कुल। ये देखो भाई AX5 अपनी वरना, मतलब XUV 700, एक सेकंड भाई यहाँ पे दोनों भाई खड़े हैं एक बार भाई, मतलब क्रेटा से अच्छी टक्कर दी और 700 थर्ड ईयर के बाद निकल रही है, लेकिन ओवरऑल क्या कहना चाहोगे भाई, मेरे को ये बता दो एक बार, पहले आप बताओ दोनों गाड़ियाँ चलाई किस में दम ज़्यादा है आपके हिसाब से? नो डाउट अगर हम लॉन्ग रन में करेंगे तो XUV 700 जीतेगी, 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 ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या कई बार मतलब थोड़ा सा लैग आ जाता है जो गियर में, उस वजह से
थोड़ा सा एक सेकंड गैप होता है उसमें ही गाड़ी आगे पीछे हो जाती है, वो एक गियर शिफ्टिंग का जो होता है। आपका क्या रिएक्शन है भाई? भाई 700 जीतेगी, 700 ही विनर है। तो भाई यहाँ पे अगर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ड्रैग रेस होती भी कम डिस्टेंस की है, लेकिन भाई फिर भी मतलब दोनों गाड़ियों में से मेरे हिसाब से भाई 700 विनर है, लेकिन क्रेटा भाई मतलब प्राइस भी थोड़ा कम है, इंजन भी शायद और टॉर्क जो है वो 700 से कम है, फिर भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही है। तो भाई अगर आप एक पावरफुल इंजन वाली गाड़ी देख रहे हैं तो आप क्रेटा डीजल भी प्रेफर कर सकते हैं। और ये भाई क्रेटा डीजल का अपना सनरूफ और अलॉय और सारा मतलब बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट इलेक्ट्रॉनिक सीट, इसका रिव्यू भी आने वाला है तो वो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर भाई 700 अपने पास और दोनों गाड़ियाँ चमचमाती हुई खड़ी हैं। तो भाई आपके हिसाब से, हाँ भाई थारे हिसाब से कौन सी जीत रही है? ब्लैक। तो भाई यहाँ पे सारे भाई खड़े हैं ये भी कह रहे हैं कि भाई ब्लैक वाली अपनी 700 ही जीत रही है, हालांकि उसका रंग नीला है भाई, वो धूप में दिख रहा है, धूप में दिख रहा है वो, ऐसा गाड़ी बढ़िया है वो। हाँ हाँ भाई डिफरेंस तो यही है, एक वाइट एक ब्लैक सी लग रही है भाई। चलो भाई ठीक है, तो भाई यहीं पे करते हैं वीडियो कंक्लूड। XUV 700 और वरना की वीडियो भी भाई आ रही है जल्दी, और वरना और क्रेटा की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन खोलिए, ड्रैग रेस की सारी वीडियो का प्लेलिस्ट और लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए, मज़ा आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई, मज़े में रहिए, मौज मारिए।